हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये, दिस इज़ वाव स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो हो ही गया है इसको, और इसकी क्वान्टिटी भी बिल्कुल यहाँ तक हो गई है, तभी मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, कोई भी पेड रिव्यू या कोलैबोरेशन कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसा प्रोडक्ट है, कि आपको इसको ख़रीदना चाहिए, क्या ये सही है इसके एमआरपी के हिसाब से, और क्या इसका अच्छा नहीं लगता है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स हैं, तो ये सब मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर आप मेरी वीडियो देखते रहना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैंने सबसे पहले ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है। एप्पल साइडर विनेगर इज़ रियली वेरी गुड अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा चिपचिप हो जाता है आपका हर 2 दिन में आपका सर, जैसे मेरा होता है। मेरा भी बहुत ऑयली स्कैल्प है, एंड ऑयली स्कैल्प के डैंड्रफ जैसे इशूज़ भी बहुत जल्दी से होते हैं, तो इसलिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों के लिए। और अगर आपके ड्राई हेयर है तो मैं बोलूँगी प्लीज़ आप ये वाला शैम्पू ना खरीदें, आप ये वाला कुछ और शैम्पूज़ खरीदे जो आपके हेयर को कंडीशन करेंगे, आपके हेयर को और ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो क्या करता है, वो आपकी जो स्कैल्प की जितनी भी गंदगी होती है उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है, और साथ ही साथ ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है। जो भी गंदा ऑयल होता है, जम जाता है जो आपकी स्कैल्प में, वही। और इसमें लिखा भी हुआ है कि इट हेल्प्स टू रिमूव बिल्डअप्स। जैसे मैं बहुत ज़्यादा हेयर मास्क एंड ऑयल लगाती हूँ, तो मेरे ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कभी कभी एकदम क्लीन नहीं होता है, तो एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इसलिए जब भी मैं कोई भी हेयर मास्क लगाती हूँ, मैं ये वाले शैम्पू से ही अपना हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से मेरा हेयर मास्क हटा देता है। क्योंकि अगर कोई और शैम्पूज यूज़ करती हूँ तो वो थोड़े कंडीशनिंग भी होते हैं, एंड ऑब्वियसली जो हेयर मास्क मैं लगाती हूँ वो आपके हेयर के लिए तो कंडीशन होते ही हैं। तो मैं ऐसा शैम्पू चाहती हूँ जो सारा, मतलब जो मेरा ऑयल डर्ट एंड पॉल्यूशन है वो हटा दे, तो दिस इज़ रियली वेरी गुड और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मुझे इसकी अगर पैकेजिंग की बात करी जाए, शायद मेरे पास ख़राब पैकेजिंग आई है। तो जब भी आपने कभी देखा होगा तो ये थोड़ा इसमें वाइट गैप होता है, ये ऊपर होता है थोड़ा, ये जो इसका ऐसे पंप वाला पैकेट होता है ना, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब मैं इसको पंच करती हूँ, तो एकदम से थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है तब जाके ये निकलता है। बट ये और कुछ ऐसा नहीं है, एंड इसकी स्मेल भी ओके है, कुछ ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं आती है, नॉर्मल सी स्मेल आती है इसकी। सो इसके प्रोज के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, ये आपके ऑयली स्कैल्प के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ऑयल हटाएगा, डैंड्रफ हटाएगा, और बिल्कुल केमिकल फ्री भी है, एंड कम क्वांटिटी नहीं है इसकी, ज़्यादा क्वांटिटी आराम से आपका 2 to 3 months तक चलने वाला है ये। एंड ये काफ़ी अच्छे से, जैसे मैं जब DIY हेयर मास्क लगाती हूँ तो मुझे 2-3 बार अपना हेयर वॉश नहीं करना पड़ता, एक ही बार हेयर वॉश करने में बहुत अच्छे से निकाल देता है। और कॉन्स की बात करी जाए तो मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, जो इसका पंच करने वाला जो नोज़ल है वो एकदम बहुत हार्ड प्रेस करना पड़ता है तब जाके निकलता है इसका। और इसकी स्मेल भी ओके है, कुछ ना अच्छी स्मेल है ना गंदी स्मेल है, मुझे ठीक ठाक लगती है। बट इसकी कंडीशनर की जो स्मेल है वो बहुत ही अमेजिंग है, बट मैं कंडीशनर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर आपको रिव्यू देखना है तो मुझे बताना, मैं उसको यूज़ करूँगी और आपके साथ जरूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। एंड मैंने इसके सारा जो पीछे इसमें लिखा रहता है वो भी दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पर कोई ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है आपके हेयर के लिए। सो आई थिंक यू शुड ऑल ट्राई दिस आउट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करें, बिल्कुल फ्री होता है, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट में ही बेल आइकन होता है, उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय।